गोलगप्पे वाले का फोन आया, कह रहा मैडम नहीं आई काफी दिन से। हैं? खिचड़ी बना दो जाके नीचे। बहारों फूल बरसाओ। आप एक बार पहले मुझे सारी डिटेल शेयर कर देना, मैं आपको लिक्विड की पिक शेयर करवा दूंगी जो आपका लिक्विड है। मेरा महबूब फोन पर बात कर रहा है। ओके थैंक यू सो मच। कोई दीदी से बात करने का वेट कर रहा है, कोई बीवी से, कोई अपनी बहू से। बेचारी देख रही थी बार बार बाहर निकल निकल के। बहारों डॉगी का वेट कर रहे हैं मम्मी। फूल बरसाओ, कहाँ कौन आ रहा है? वो वाले डॉगी। अरे डॉगी कुत्ते नहीं लेके आने यार, खरीद लिया मैंने, जिया का बच्चा था वो। जिया के बच्चे को रखो अपने पास, ठीक है ना, वहीं क्लिनिक पे। यार तुम मजाक, यार नहीं, कुत्ता उत्ता नहीं लेके, कुत्ता उत्ता नहीं लेके आना। अरे मम्मी तुम्हें क्या लगता है आजकल ना, 5000 का कुत्ता है वो। सुनो आजकल ना मम्मी, कोई बात नहीं, उसके उतने बच्चे हो जाएंगे, मैं बेच दूंगी। आजकल मेरी बात सुनो, मैं इंसान से महंगे कुत्ते होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और सुन इधर आ, ये कुत्ते उत्ते नहीं लेके आने यार। मैं खरीद लिया, मैं तो उसका वेट कर रही हूँ। मम्मी ने 2 बार फोन करके कह लिया उसका ध्यान कौन रखेगा, मैंने आपकी आदत कमजोर होगी इसलिए उसको रख दिया, सारे दिन पीछे पीछे घूमोगे तो ये मम्मी यार ऐसे ये कुत्ते। और सोएगा कहाँ पे? वो सोएगा मम्मी के पापा के साथ में। नहीं अपने बेड पे ना, जो हमारा बेड है उस पे ये मेरे को तो सोने नहीं देती है, ठीक है। कह दिया थोड़ा दूर हो जाओ कुत्ते को। कुत्ता रिद्धि के साथ? ओ दो एक साथ। सच में आ रहा है क्या? हाँ यार क्या, अरे क्यों तुम, ओए उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा? हम खिलाएंगे यार, हम नहीं लगा था हिमाचल मम्मी के पास छोड़ा। तुम मेरा ध्यान तो ढंग से रख नहीं पाती हो। तुम इंसान हो ना, कुत्ते थोड़ी हो। तुम खुद का कंपैरिजन ना बताओ, कुत्ते से कर रहे हो, इससे बदतर चीज क्या हो सकती है? मम्मी बताओ, एक कुत्ते से इंसान कंपैरिजन। कट लगा दूं बिल्कुल नहीं लगा। तो ये ना मेरे को वैसे स्टार्टिंग में पता था कि ये सर मजाक, इन्होंने देखा देखा है, पिल्ला कह रहे हैं, पिलूरा कह रहा हूँ, डॉगी का स्मॉल बेबी, अभी इन्होंने देखा देखा यार ले लेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सा पहले अपना ध्यान रखना सीख लो, ठीक है। अपना ध्यान तुमसे रखा नहीं जाता है, और चलियो तुम और चार टांगो अपना रखो ना, रखो सबका, रख रही हो ना तो उसका भी रख लूंगी। मेरा तुम तो रज ही नहीं सकते। क्या क्या रज मतलब? कभी रजे वास्ते ही पुक पाई हुंदी मतलब, कदे तूने ढंग से रखे ना, मैं आपको नहीं कदे रख के देख रहे, मैं ढंग से फिर बताऊंगा। कोई नहीं कोई नहीं। तो यार अभी बज रहे हैं रात के 8:30, एंड उपासना ने आके थोड़ा थोड़ा सा डिनर लिया, बट अब यार थोड़ी सी ना, मतलब कल तो ठीक थे बट आज इनको ना आज शाम से फिर पेन स्टार्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा, बट हो जाओगे, कोई नहीं यार, बस 2-3 दिन में अब ठीक हो जाओगे। तो अभी यार अब उपासना जा रही है सोने, सो जाओ। अभी ना रात के 2:30 बज रहे हैं और ये इन्होंने सोते सोते में इन्होंने फोन उठा लिया कि मुझे कुछ अपनी केस स्टडी पढ़नी है। वो मेरे को एकदम ध्यान आया कि मेरी सुबह फिर निकल जाएगा। और आज ना यार हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि 8:30 बजे ही हम दोनों सो गए थे और हमारी नींद खुल गई फिर 12 बजे, क्योंकि इनकी यार इनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, इनको सुलाने में फिर इनको सुलाया, फिर साथ साथ मेरे को भी यार थोड़ा हेडेक हो रहा था, मैं भी सो गया, पर मेरी नींद खुल गई 11:30, ये उठ गए 12 बजे का पेन हो रहा है, और ये उठ गए 12 बजे, एंड उसके बाद से फिर थोड़ी देर ऐसे बैठ के हम लोग बात बात करते रहे। फिर मैंने कहा यार अब सो जाओ, अभी सो रही थी फिर उठा लिया फोन, कह रही कुछ पढ़ना है, सो जाना। सो रही हूँ, कुछ एकदम ध्यान आया सुबह भूल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नरेंद्र 7 व्लॉग्स। और यार अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेड गरम। आज एक्चुअली क्या है कि उपासना की भी तबीयत काफी खराब है और मम्मी को भी फीवर है, तो किसी ने भी नहीं खाया, तो मम्मी को तो मैंने अभी करके दे दिए ब्रेड गरम। अभी कर रहा हूँ मैं उपासना के लिए, क्योंकि यार मम्मी ने कहा कि मेरी हिम्मत है नहीं बनाने की खाना, तो अभी मैंने पहले मम्मी को करके दिया फिर ब्रेड गरम, अब मैं दे रहा हूँ उपासना को। और एक्चुअली हम तैयार होके हम लोग निकल रहे थे क्योंकि उपासना को बहुत अर्जेंटली जाना था। उपासना 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 उठो, ये लो, उठो, पहले खा लो फटाफट से।
एक्चुअली क्या था कि इनका जितना भी पंचकर्मा का सामान है ना वो सारा खत्म हो चुका है, तो वो लेने हम लोग निकल रहे थे सदर के लिए, तो नहा के तैयार होने जा रही थी, मैं जस्ट नहा के आया, तैयार हुआ तो मैंने देखा, मैंने कहा यार इनसे तो उठा ही नहीं जा रहा, फिर मैं नीचे आया मम्मी को बताने, तो मैंने देखा मम्मी तो कह रही मैं तो आज उठ ही नहीं पाऊंगी, मम्मी को आइडिया हमने कह रखा चीला बनाने के लिए, तो मैं मम्मी से पूछने आया, इतने तो मम्मी बोली अब तो मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगी, तो इनको दिए फटाफट ब्रेड गर्म करके, अब देखते हैं, वैसे तो मैं इनको जाने नहीं दूंगा आज, लेट्स सी। तो ब्रेड डन, अब ये है कुल्थ, कुल्थ की दाल, तो अब उपासना के लिए कुल्थ की दाल बना के ताकि उनको जो स्टोन है उसमें आराम मिल जाए, हो गया बस ये। तो मम्मी को दे दी दवाई, अब देखते हैं उपासना का, तो यार इनकी तबीयत ना एकदम से, मतलब रात को थोड़ी दिक्कत थी लेकिन रात को ये सो गए, सुबह बिल्कुल फिट एंड फाइन उठी हैं, मतलब सुबह बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, कोई दिक्कत नहीं थी सुबह, मतलब 11:30 बजे तक मैं नहा के आया, मैंने जैसे ही देखा बहुत तेज पेट में, अब ठीक है अभी नहीं चला रहा भाई, फैन नहीं चला रहा, एसी चला देता हूँ, तेज कर देता हूँ एसी। अच्छा मैं वो कह रहा हूँ कि मोमोज करवा दो, या गोलगप्पे वाले का फोन आया, कह रहा मैडम नहीं आई काफी दिन से, हैं खिचड़ी बना दो जाके नीचे। मेरे को पता है कई बार क्या लगता है कि पिछले जन्म में ना मैंने इनसे बहुत सेवा करवाई होगी, तुम्हें भी लगता है ऐसा? भाई सीरियस में तो तुम्हें सच में अप्रिशिएट करती हूं। क्या सुबह 4:30 बजे भी तुमने मेरे पैर घिसे, जमा को पेन हो रहा था, 8 बजे भी मेरे को घिस घिस के सुलाया। क्या हुआ था कि मैं सोया हूँ सुबह 5:15 बजे और ये इनको नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जैसा कि ये रात को ही सो गए थे 8:30 बजे ही, 12:30 बजे के अराउंड इनकी नींद खुल गई थी, फिर उसके बाद इनको नींद ना आए, इनको पेन बहुत ज़्यादा हो, फिर इनको बड़ी मुश्किल से 4:30 के अराउंड मैंने इनको सुलाया, घिस घिस के मैंने कहा कोई नहीं सो जा। अच्छा बस तो यार अब मेरे को लगा कि सुबह बिल्कुल फिट एंड फाइन उठे, सुबह तो बल्कि ना उठ के कि अरुण यार उठ जाओ यार लेट कर दिया चलना है, क्योंकि एक्चुअली हमें जाना था सदर, तो इनका जो सामान वगैरह सारा लेके आना था, मैं यार तैयार व्यार होके आया, जैसे मैंने देखा ये तो चारों खाने चित, और फिर नीचे गया, मैंने कहा मैं मम्मी को बताऊं कि यार उपासना की तबीयत ठीक नहीं है कुछ बना दो, मैंने देखा मम्मी की हालत और ज्यादा, मम्मी को फीवर बहुत है, मम्मी बिल्कुल तप रही, मैंने कहा ये तो दिक्कत होगी माँ बहन दोनों मैंने कहा तो माँ बहन एक हो गई आज, तो दोनों को बुखार हो रखा है, तो मम्मी का ये है कि अभी मेडिसिन लिया मम्मी को तो फिर हो जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा काबू में लाना पड़ेगा, और अभी भी अब मैं इनको कहीं नहीं जाने दे रहा, आज का भी इनका ऑब्वियसली आज का तो ऑफ है, कल का भी इनका ऑफ करवाया, कल भी ये कहीं नहीं जा रही, कल यार शायद लेकिन हमें जाना पड़ सकता है अगर रिद्धि की पीटीएम हुई तो, वो मतलब सुपर अर्जेंट हो सकता है, वरना कल की इनका क्लिनिक का तो ऑफ करवाया कल का। तो यार ये हो गई है कुल्थ की दाल प्रिपेयर, और मेरे को लगी थी बहुत तेज भूख और मम्मी की थोड़ी तबीयत थी नहीं उठने की, तो मैंने खुद के लिए यार मैगी बना ली, और पता रिद्धि ने आते ही सबसे पहले क्या पूछा, कपड़े भी चेंज नहीं किए, रिद्धि ने आते ही पूछा कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक है, आराम है आप तबीयत में, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं जाना, क्या कह रही रिद्धि सुबह बाहर नहीं जाना बाहर नहीं निकलना, हाय ये होती है मैं एक लड़की ठीक है, बेटों में नहीं होती है मैं इतनी दया है ना, क्यों नहीं होती है, मेरे कपड़े और खुद सोई सोई कर रही है और पड़ी मम्मी की है कि मम्मी ठीक है कि नहीं है। इट्स 5 PM क्या कर रहे हो, हाँ ज्यादा नासाज है, तो ये इनके लिए मैंने वेद आयुर्वेदा की जो टी है काढ़ा बना के लाया हूँ, क्योंकि ये मतलब मिल्क प्रेफर नहीं करती है इसमें, तो अभी बलगम हो रही है ना, तो अभी ये काढ़ा पियेंगी, उसके बाद अभी इनको देखते पट्टी वट्टी रखनी पड़ेगी, अब क्योंकि सुबह से 3 बार ले लिया, फीवर ही नहीं होता था, सारा प्लान कैंसिल हो गया। ये कितने हैं? क्या ये कितने है? इसको बोलते हैं जुबान पे सरस्वती का होना उस दिन होम रेमेडी शूट कर रहे थे ना, तो पास ने कहा अरुण आज ही शूट कर लो यार, पता नहीं कल को यार ठीक रहूं ना रहूं, और वही हो गया है। ओए खिचड़ी
और हमने ना इतना तगड़ा चैलेंज सोच रखा था शूट करने को, मतलब आप लोग उन्हें वो आज तक ऐसा चैलेंज देखा नहीं होगा, मतलब मैं ये गारंटी दे रहा हूँ वो यूट्यूब के इतिहास में ना पहला चैलेंज होगा, और वो इतना अनबिलीवेबल चैलेंज होगा ना, मतलब आप लोग ये कह दोगे यार ये क्या ही सोच लिया इन दोनों ने। बट यार ये हमारे डॉक्टर साहब थोड़े से लौट गए हैं, पता नहीं यार क्या हुआ।